दिवाली पर एक ओर जहां पूरा देश रोशनी खुशियों में डूबा हुआ दिखा, दूसरी ओर दिवाली पर देश के कई हिस्सों में अंधविश्वास का गहरा अंधेरा भी पसरा हुआ दिखाई पड़ा। आस्था के नाम पर जान दांव पर लगाई गई, ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच जान की बाजी लगाने का जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, देखिए जरा। यहां गौतमपुरा में हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के बाद हिंगोट युद्ध हुआ। वर्षों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए बड़े से बड़े मैदान में नजर आए कुछ इस तरह की तस्वीर दिखी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बारूद से भरे हिंगोट यानी अग्निबाण फेंके गए। 15 लोग घायल हो गए। देखिए आप, एम्बुलेंस वहां पर पहुंची जब घायलों को ले जाने के लिए। हर साल इस युद्ध में इसमें शामिल लोगों के साथ लोग भी पहुंचते हैं इसे देखने के लिए, कई बार जान पर बनाती है। ये अग्नि युद्ध हर साल होता है, दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। सुरक्षा के लिए आला अफसर समेत भारी पुलिस बल तैनात रहता है। बताया जाता है कि पुराने समय में मुगलों के आक्रमण को विफल करने के लिए, उनसे बचने के लिए लोग हिंगोरिया के फल से बने इन अग्निबाणों यानी हिंगोट को इस्तेमाल करते थे। ये हमारा दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद पड़वा के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। ये एक मेरे अनुमान से 200 साल पुराना हमारा पिताजी के जमाने से चला आ रहा है, तुर्रा और कलंगी के नाम से। बस वो देवनारायण मंदिर का मंदिर है, बस वहाँ दोनों योद्धा तुर्रा और कलंगी के नाम से योद्धा जाते हैं। एक ऐसी गौतमपुरा में एक सीमा बना रखी है तेजाजी महाराज के वहाँ से, तो आधे गांव से इधर रुंजी और आधे गांव के इधर गौतमपुरा, बस उसमें और जो भी आते हैं इंदौर उज्जैन दिल्ली जहाँ से भी योद्धा जो भी आते हैं वो खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा ये नहीं है घायल के लिए, वो प्रशासन ये वो सब एम्बुलेंस वगैरह सब रखती है। प्रशासन की तरफ से हमारे द्वारा आम जनमानस जो आता है उसकी सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए गए थे। इसमें बेसिकली हम लोगों ने 15-17 फीट की जालियां लगवाई हैं और जिससे आम जनता की तरफ वो हिंगोट ना आए, आम जनता सुरक्षित रहे। इसमें प्रशासन की तरफ से हम लोग एम्बुलेंस डिप्लॉय कराते हैं, एक हॉस्पिटल में हम लोग रिजर्व वार्ड तैयार करवाते हैं, डॉक्टर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होता है। और आज इस पूरे हिंगोट आयोजन में लगभग 70-80 के आसपास योद्धाओं ने पार्टिसिपेट किया है। लोग इस बार खुद ही क्योंकि प्रोएक्टिव थे तो सेफगार्ड के उन्होंने अरेंजमेंट्स खुद ने किए थे, अपना ढाल लेके आते हैं वो लोग। देखिए परंपरागत रूप से ही गौतमपुरा में हिंगोट का ये युद्ध मनाया जाता है और पिछले कई वर्षों से ये परंपरा रही है। उसमें हम लोगों ने अभी वर्तमान में पुलिस व्यवस्था पर्याप्त लगाई हुई थी, सुरक्षा के जो दर्शक लोग आते हैं उनको कई बार चोट आ जाती है, उसको देखते हुए 12 फीट की जालियां पूरे स्टेडियम के चारों तरफ लगाई गई थी। साथ में हमने लगभग 300 का बल डिप्लॉय किया था और साथ में हमने तीनों तरफ एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड भी तैनात की गई थी और अभी जो युद्ध है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। क्योंकि हिंगोट से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, ऐसे 10-12 लोग अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जो एम्बुलेंसेस की टीम है वो उनको लेके गई है इलाज के लिए, कोई भी गंभीर घायल होने की सूचना अभी तक नहीं है। तो प्रशासन के लोगों को आपने सुना, बिल्कुल उनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ होता है और यकीनन ये चीज चौंकाती भी है कि ऐसी परंपरा जिसमें लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें उनकी जान पर बनाती है, ये लगातार जारी है, पिछले कई सालों से जारी है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये सब कुछ होता है। बाकायदा एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की जाती है ताकि जो लोग घायल हो जाएं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए।